तो इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन 17 यानी कि टाटा आईपीएल 2024 का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं। अब आईपीएल 2024 शुरू होने से जस्ट पहले ही काफी टीमों को बड़े बड़े झटके लगे हैं, क्योंकि आईपीएल 2024 से कुल 8 से 10 बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी रूल्ड आउट हो चुके हैं, यानी कि बाहर हो चुके हैं। तो काफी टीमों को बड़े बड़े झटके लगे, हालांकि कुछ टीमों ने उन सभी खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दिया है, उनकी जगह पर नए खिलाड़ी को साइन करके अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। तो बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के बारे में। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को काफी बड़ा झटका लगा है। जी हां, राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज प्रसिद कृष्णा इंजरी की वजह से पूरे आईपीएल 2024 से ही रूल्ड आउट हो चुके हैं। अब आईपीएल 2024 में प्रसिद कृष्णा आरआर की तरफ से एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। आपको बता दें कि प्रसिद कृष्णा लास्ट ईयर भी आईपीएल नहीं खेल पाए थे, क्योंकि इनका सर्जरी हुआ था इनके क्वाड्रिसेप्स टेंडन में, और इस बार आईपीएल 2024 से पहले ये पूरी तरह से फिट थे, लेकिन रणजी गेम में ये इंजर्ड हो गए और अब आईपीएल 2024 से पूरी तरह से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को ये बड़ा झटका लगा है, हालांकि आरआर की टीम ने इनका अभी तक रिप्लेसमेंट भी अनाउंस नहीं किया है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो दूसरी बड़ी अपडेट्स आ रही है गुजरात टाइटंस के खेमे से, जहां जीटी को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनके मेन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इंजरी की वजह से पूरे आईपीएल 2024 से बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान इंजर्ड हो गए थे, इनके एंकल में इंजरी हुई थी। अब मोहम्मद शमी ने अभी हाल ही में लंदन में अपना सर्जरी करवाया है और अब आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। तो तीसरी बड़ी अपडेट गुजरात टाइटंस के ही खेमे से। अब गुजरात टाइटंस की टीम को एक और झटका लगा है, जहां इनके शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड शुरुआती आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें कि मैथ्यू वेड एक विकेट कीपर बल्लेबाज है जो फिलहाल गुजरात टाइटंस की टीम में शामिल है, लेकिन शुरुआती मैच वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि मैथ्यू वेड ने शेफील्ड शील्ड फाइनल खेलने का फैसला लिया है, जो 21 मार्च से लेकर 25 मार्च तक खेला जाएगा, जिसके चलते मैथ्यू वेड पहला मैच नहीं खेल पाएंगे गुजरात टाइटंस की तरफ से। जहां गुजरात टाइटंस की टीम अपना पहला मैच 25 मार्च को खेलेगी, तो वहीं दूसरा मैच गुजरात टाइटंस की टीम 27 मार्च को खेलेगी, तो दूसरे मुकाबले से भी बाहर हो सकते हैं मैथ्यू वेड। अब बात करें लखनऊ सुपर जेंट्स की, तो लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम को भी काफी तगड़ा झटका लगा है। इनके जबरदस्त तेज गेंदबाज मार्कुड ने अपना नाम आईपीएल 2024 से वापस ले लिया है, जहां मार्कुड एलएसजी की टीम में शामिल थे, लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया कि मार्कुड पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। आगे टी20 वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट है और वो ये नहीं चाहते हैं कि मार्कुड आईपीएल में इंजर्ड हो जाए और आगे टी20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध ना हो। इसी वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मार्कुड से कहा अपना नाम वापस लेने के लिए, और मार्कुड ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया था। और इनकी जगह पर लखनऊ सुपर जेंट्स की मैनेजमेंट ने वेस्टइंडीज को उभरते हुए तेज गेंदबाज समर जोसेफ को टीम में शामिल किया एज अ रिप्लेसमेंट। तो वहीं पांचवें खिलाड़ी की बात करने से पहले, अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट सबसे पहले हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियोस, जबकि डेली ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पाना चाहते हैं, तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पांचवें खिलाड़ी जो बार हुए हैं वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से, जहां केकेआर की टीम को काफी बड़ा झटका लगा था जब जेसन जॉय ने अपना नाम आईपीएल 2024 से ही वापस ले लिया था अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने जेसन जॉय के बाहर होने के बाद उनकी जगह पर इंग्लैंड के शानदार विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर फिल साल्ट को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। आपको बता दें कि फिल साल्ट एक शानदार टी20 बल्लेबाज हैं, जो फिलहाल आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद है। वहीं केकेआर की टीम को एक और बड़ा झटका लगा था, जहां इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को इस बार केकेआर की टीम ने ऑक्शन से खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया था आईपीएल 2024 के लिए। लेकिन गस एटकिंसन ने आईपीएल शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया अपने वर्कलोड मैनेज करने के लिए। अब केकेआर की टीम ने इनका भी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया था, गस एटकिंसन की जगह पर श्रीलंका के तेज गेंदबाज दुष्मंता चमेरो को अपनी टीम में शामिल किया था। यही नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को भी काफी बड़ा झटका लगा था जब इनके शानदार विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे इंजर्ड हो गए थे, इनके थंब में इंजरी हुई थी, जिसके चलते ये 8 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हो गए थे। अब आपको बता दें कि डिवॉन कॉनवे 8 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हुए, साथ ही साथ आधे आईपीएल से भी बाहर हो गए इसी इंजरी की वजह से। तो डिवॉन कॉनवे आधे आईपीएल तक नहीं खेल पाएंगे सीएसके के लिए, और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इनका अभी तक रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है, इनकी जगह पर किसी भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया है, क्योंकि डिवॉन कॉनवे आधे आईपीएल से ही बाहर हुए, उसके बाद ये वापसी कर सकते हैं अगर डिवॉन कॉनवे का रिप्लेसमेंट सीएसके ने अनाउंस नहीं किया। अब जब सभी टीमों से बड़े बड़े
खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं तो मुंबई इंडियंस की टीम भी कहां पीछे हटने वाली थी। मुंबई इंडियंस की टीम से भी एक बड़ी अपडेट है, जहां सूर्य कुमार यादव इनके शानदार विस्फोटक बल्लेबाज आखिरी बार ये क्रिकेट साउथ अफ्रीका में खेले थे जब इन्होंने टीम इंडिया को लीड किया था T20 फॉर्मेट में और उसी दौरान ये इंजर्ड हो गए थे। लेकिन आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव को लेकर बड़ी अपडेट्स ये है कि ये पूरे आईपीएल से बाहर नहीं हुए, बल्कि रिपोर्ट्स ऐसी है कि सूर्य कुमार यादव शुरुआती दो मैच मुंबई इंडियंस के लिए मिस कर सकते हैं। अब सूर्य कुमार यादव फिलहाल एनसीए में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपना रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं और पूरी तरह से रिकवर होने के बाद आईपीएल 2024 में वापसी करेंगे, खेलेंगे एमआई पल्टन की तरफ से। लेकिन शुरुआती दो मैच के लिए पूरी तरह से फिट होंगे या फिर नहीं, अभी इस पे सस्पेंस बरकरार है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से एक और बड़ी अपडेट है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के बेहतरीन गेंदबाज मथीसा पतिराना भी फिलहाल इंजर्ड है। इन्हें ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है जो फिलहाल डाउटफुल है शुरुआती आईपीएल मैच खेलने के लिए। तो अगर मथीसा पतिराना आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले पूरी तरह से फिट नहीं हो पाते हैं तो इनकी जगह पर मुस्तफिजुर रहमान को खिलाने का ऑप्शन इनके पास है, जहां मुस्तफिजुर रहमान काफी शानदार गेंदबाज हैं जो ट्रिकी ऑफ कटर के लिए जाने जाते हैं और इन्हें ऑक्शन से 2 करोड़ में सीएसके की टीम ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था आईपीएल 2024 के लिए। तो फिलहाल मथीसा पतिराना डाउटफुल है शुरुआती मैचों के लिए, पूरी कन्फर्म रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट्स आएगी आपको सबसे पहले उसकी अपडेट्स इसी चैनल क्रिकेट सुपर फैंस पर दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से भी एक और अपडेट है, जहां केकेआर की टीम ने गस एथिकिनसन का रिप्लेसमेंट अनाउंस किया था, उनकी जगह पर दुश्मंता चमीरा को टीम में शामिल किया था। लेकिन फिलहाल दुश्मंता चमीरा भी इंजर्ड है, जहां इन्हें क्वाड्रिसेप्स इंजरी हुई है, इनकी अवेलेबिलिटी अभी अननोन है और रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसी है कि ये भी शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं केकेआर के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस नहीं, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें।